ठीक, ओके। हाँ नमस्कार। आज के सेशन में हमारे साथ विजय देवसेना जी जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सामने वो मुखातिब हैं। नमस्कार मिस्टर विजय देवसेना। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में आप में और डॉक्टर बीएम मिश्रा में काफी तकरार जो है ना छिड़ी हुई थी, और जब आपकी हमसे दूरभाष पे बात हुई तो मैंने आप लोगों को समझाइश दी थी कि कैसे जो है इस ग्रुप को साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि हमने आपको क्या क्या समझाइश दी, कैसी समझाइश दी, उसको आपने कितना आत्मसात किया। मेरे ख्याल से वार्तालाप अपने यहां से शुरू कर। जी, आपने कहा था कि वीएम मिश्रा जी अच्छे आदमी हैं और आपकी काफी समय से उनसे चर्चा हो रही है और अच्छे काम करते भी हैं वो। लेकिन अपन को अगर अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है तो हमको फील्ड में काम करना पड़ेगा। जो जैसे अगर आप, हाँ, मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूँ, जैसे आप चोरों को बताएंगे कि चोरी रोकना है तो वो चोरी चोरी रोक नहीं पाएंगे। देखिए, मैं विजय जी आपको एक चीज समझाइश देना चाहूंगा कि जी हमारी ये पूरी क्राइम फ्री भारत की जो व्यवस्था है ये शिव जी की सेना आप इसे मान सकते हैं। हमें पूरे 137 करोड़ लोगों को जोड़ना है और हमें उनके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना है। हमें के अंदर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा जो ऑलरेडी छिपी हुई है उसे पैदा करना, ठीक है ना। जब जी उसकी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी तो वह अपने से जुड़े लोगों को जोड़ पाएंगे, और जब वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे तो वो अपने से जुड़े लोगों को एक लाभ दे रहे हैं। और जब आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, वो चीज ये है कि जिसको आप जोड़ रहे हो उसको जोड़कर आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगी। तो आपको किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। आप किसी ग्रुप में यदि जुड़ गए हैं और उस ग्रुप में यदि 100 लोग हैं तो उन ग्रुप वालों से ना तो आपको उनसे कोई आर्गुमेंट लेना है ना ही उनको आपको ऊर्जाकृत करना है, क्योंकि उनको यदि हमने ग्रुप को जोड़ा है तो ऊर्जाकृत करने की जिम्मेवारी की मेरी है, आपकी नहीं है, ठीक है ना। नंबर वन। नंबर टू, आप जिन लोगों को जोड़ रहे हैं वो दो तरीके के लोग होंगे। एक होंगे जो कि चुंबकीय हैं, राइट, जो लोहे के हैं। तो जब जो लोहे के व्यक्ति के पास जो है आप ऊर्जाकृत चुंबक पहुंचेगा तो उनके अंदर का हर कण आपके बिना प्रयास के नॉर्थ साउथ अलाइन होकर वो चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन विजय जी, आपको एक बात याद रखना पड़ेगी कि आपके प्रभाव क्षेत्र में केवल लोहा नहीं है, आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग पत्थर भी हैं। अब ये पत्थर दो प्रकार के, एक पत्थर वो है जो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं और वो वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे, लिहाजा वो अच्छे होते हुए भी हमारे लिए पत्थर तो है, राइट। और दूसरे जो लोग हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि वो पत्थर हैं जो सभी तरीके की आशा छोड़ चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वो पत्थर तुल्य हो गए हैं, वो अपने लेवल पे कोई प्रयास नहीं कर रहे। अब इन पत्थरों से आपको बिल्कुल भी क्या कहना चाहिए कि विचलित नहीं होना, हाँ, सिर नहीं क्योंकि ये टकराना है। देखिए वो ये पत्थर जो है से आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। आपको एहसास करना है कि ये पत्थर है
और उनको अभी आप उनके हाल पर छोड़ दी। जब समय आएगा तो ये पत्थर जो है ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, ये महाऊर्जा केंद्र बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी। ये इनकी इनकी स्थिति जो है बिल्कुल वाल्मीकि जैसी होगी, जो कि वाल्मीकि जी जैसा आपको मालूम है कि वो एक डकैत थे, और जब वो ऋषियों के संपर्क में आए और जब ऋषियों ने उन्हें उपजागृत किया तो वो डकैत वाल्मीकि सीधे महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की जो भगवान का आचरण है, और वो महर्षि कहलाए। तो जो ये पत्थर हैं, जब सही समय आएगा और चारों तरफ से ऊर्जा का जो है ना इनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, तो ये उसी तरीके से ऊर्जाकृत हो जाएंगे। जो कबीर दास जी के एक दोहा को आपने सुना होगा, जब आप बच्चे होंगे तो पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली या मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ से ऊर्जा का जो है प्रसारण होगा तो ये पत्थर भी जो है एकाएक जागृत हो उठेंगे और सीधे जो है महाऊर्जा केंद्र बनेंगे, और इनकी भूमिका इस देश को आगे ले जाने में शायद हम और आपसे ज्यादा रहे। तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें विचलित नहीं होना है इन पत्थरों का, बल्कि इन पत्थरों के लिए उचित समय का हम इंतजार करें। ये देश के लिए एक बहुत बड़े रिसोर्स बनेंगे, ये देश की जो है उसमें सोच में भी हिस्सा बनेंगे, टेक्नोलॉजी कानून बनाने में ये हिस्सा बनेंगे, और ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये महर्षि वाल्मीकि जैसे रामायण ग्रंथ की रचना जैसा कोई अच्छा काम क्राइम फ्री भारत के लिए करेंगे। तो अब मैं विजय जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी कुछ शंकाएं शंकाएं कुछ कुछ क्या मैं एड्रेस कर पाया? हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया, पर मेरा ये विचार है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ राक्षस और देवताओं ने किया तो अमृत निकला, तो हम उनसे विचार मंथन करना चाहते हैं कि सही क्या गलत है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया ढंग से उनका कि सही जवाब क्या गलत क्या। एक मिनट, आपको विचार मंथन अपने प्रभाव क्षेत्र के उन लोगों से करना है जो वर्षों से जुड़े हुए हैं। जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के लोगों से कोई यदि बात आपको पसंद आ रही है और आपको उसमें कुछ हाँ कहना है तो कह दीजिए, उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है आपको और ना ही उनके विचारधारा को परिवर्तित करना। बेसिकली क्राइम फ्री भारत एक शिवसेना जैसा है जिसमें भूत प्रेत लंगूर कीड़े मकूड़े सभी को साथ में लेके चलना है, और उनके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा को ऊर्जाकृत करके उनके प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जाकृत करते हुए मात्र 9 दिन में 100 करोड़ की यात्रा हम तभी कर पाएंगे जब हम हर किसी को जोड़ेंगे और किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उससे जो है बौद्धिक चर्चा करते हैं। आप जो बौद्धिक चर्चा है वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से करिए जिनकी आस्था आप पर जुड़ी हुई है, जो वर्षों से आपको जानते हैं। नए व्यक्तियों में आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करिए, नंबर वन। नंबर टू जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके प्रभाव क्षेत्र में जो पत्थर है जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है उनको आप मत छेड़िए, उनको जो है आप उनके हाल पर छोड़ दीजिए। वो क्राइम फ्री भारत के लिए सबसे बड़े रिसोर्स बेस बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी। तो आप उनसे ना तो दुखी होइए ना विचलित होइए, ना तो नहीं है बदलने की कोशिश करिए, ना ही उनसे आर्गुमेंट पिकअप करिए। तो विजय जी, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि ये जो बात मैंने आपको समझाई है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भी आप इसी भाषा में समझा पाएंगे, और जब आप चाहेंगे तो ये वीडियो उनसे शेयर करिए, संवाद करिए, तो जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं
आप उनकी जिज्ञासा भी शांत कर दें। क्राइम फ्री भारत या समर्थ भारत या सही रूप से आजाद भारत 75 साल में पैदा नहीं हो पाया। दुख की बात तो ये है कि कोई इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? हम बहुत साधारण सी बात कह रहे हैं कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए बनाए थे, वो नियम जो है आपके ऊपर माननीय जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के माध्यम से थोप दिए हैं। इसमें कोई बड़ी बात कह रहा हूं क्या मैं? क्या मैं कोई रहस्य की बात कह रहा हूं? नहीं, वो सबको मालूम है। सार्वभौमिक सर्वविदित फैक्ट है कि जो भी नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, और उन्हें माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। इस सत्य से क्या कोई इनकार कर सकता है? नहीं, वो सबको मालूम है, वो तो सही है। तो इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आपके ऊपर आज जो नियम कानून संस्थापित हैं वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए गए थे, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, उन्हें शोषित करने के लिए बनाए गए थे, और एक न्याय का ढकोसला करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि इन्हीं नियमों के तहत गलती ना होने पर भी लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। तो ये बात समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए कि ये नियम सा जो है ना केवल जो ना गुलामों के लिए थे, बल्कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए। कितने लोगों को जो है इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक जो ना साझा दे के लिए बुलाया कि आपसे बातचीत करेंगे और उन्हें फांसी पर चढ़ा। अभी आप बताइए, सरदार भगत सिंह जो है उन्होंने एक स्मोक बम फेंका। जैसा हम और आप समझते हैं, स्मोक बम का मतलब है धुआं करने वाला बम। स्मोक बम जो है फटने वाला बम नहीं होता है, उससे जो है कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। तो सरदार भगत सिंह ने ये भी कहा था कि हम देश को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, हमारा भागने का कोई इरादा नहीं है और ना ही माफी मांगने का है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन जो है अंग्रेजों ने ना केवल सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया, नियम विरुद्ध एक दिन पहले रात में उनको फांसी दे दी, और उनकी बॉडी को भी वो जो है ना इनके कारण रहस्यमय ढंग से दफनाने के मूड में थे, जो उनकी नहीं चल पाई और वो एक्सपोज हो गए। तो इनका ढकोसला इतना बड़ा था, ये बात आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये ढकोसला। अब दूसरी बात हम कहें कि अंग्रेजों को ये जो नियम कानून जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, इनको लागू करने के लिए तीन व्यवस्थाएं चाहिए थी। एक पुलिस चाहिए थी, दूसरा जो है उनको चाहिए था ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा उनको चाहिए थी जुडिशरी। और ये तीनों जो है चीजें शोषण करने के लिए, भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई गई थी, और ये सब लॉर्ड के रूप में कंसीव की गई थी। तो आज पुलिस भी आपकी लॉर्ड है, ब्यूरोक्रेसी भी लॉर्ड है, और जुडिशरी भी लॉर्ड है। ये जो है निर्णय लें इनकी मर्जी, निर्णय ना लें इनकी मर्जी, गलत निर्णय लें इनकी मर्जी, घूस खाकर गलत निर्णय लें इनकी मर्जी, इनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय कुछ में कोर्ट में चैलेंज करते हुए या उनको जो है न्याय पाने की उम्मीद रख के आपकी जो है ना पैरों की जो है ना चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपको समय खोने के बाद भी न्याय मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जो ये व्यवस्था है जो एक नियम कानून के निष्पादन के लिए बनाई गई थी, वो लॉर्डशिप की व्यवस्था है। मिस्टर विजय, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज की व्यवस्था लॉर्डशिप की व्यवस्था है कि नहीं है? पटवारी है, बिल्कुल। आप ये बताइए, पटवारी घूस खाकर गलत नाप तौल कर दे, आपका किसी गलत नाम लिख दे, आप जो है आपस में भाई भाई लड़ जाएंगे, मर जाएंगे,
लेकिन उस पटवारी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ना पड़ा। तो पटवारी की कोई अकाउंटेबिलिटी है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपने देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों पर छापा मारता है, करोड़ों रुपए का जो है ना इनकम टैक्स निकाल देता है, उनके अकाउंट सील कर देता है, बाद में मालूम पड़ता है जितना पैसा निकाला गया है देनदारी उससे 1/10 भी नहीं है। तो गलत आकलन करने के लिए क्या किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। क्यों? लॉर्ड्स कोई गलती नहीं करते हैं और गुलाम तो सफर करने के लिए है, तो आप सफर करने के लिए बने हुए हैं, इसमें कोई भ्रम है क्या? नहीं, वो तो हकीकत में दिख रहा है ना सब। अच्छा, अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि इन दोनों के ऊपर एक व्यवस्था है जिसमें पहले अंग्रेज बैठे थे। अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया 17 जुलाई 1947 का, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा, जिसको 18 जुलाई को क्वीन ने जो है एसेंट दी और वो कानून बन गया। इस नियम के तहत जो है पावर ट्रांसफर हुआ और वो पावर ट्रांसफर अंग्रेज के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को हुआ जो जवाहरलाल नेहरू था, और जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। वो व्यक्ति 0 वोट पाने के बावजूद भी जो है इस देश का प्रधानमंत्री बना। यदि आपने गांधी मूवी देखी है तो उसमें कहा गया है कि गांधी जी कह रहे हैं कि भाई सरदार पटेल आप जो है मान जाइए क्योंकि नेहरू नहीं माने। नेहरू क्यों नहीं मानेगा? 0 वोट मिलने के बाद वो देश का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहे? वो कितना दुष्ट आदमी होगा कि जो कह रहा है कि हम कांग्रेस को तोड़ देंगे, फलाने को तोड़ देंगे, और गांधी जी जो है ना का सही नाम रखा गया है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कितने मजबूर इंसान थे वो। आप ये बताइए, वो ना केवल उन्होंने गलत व्यक्ति का जो है ना साथ दिया, बल्कि डर के कारण गलत व्यक्ति का साथ दिया। उनको लगा कि नेहरू नहीं मानेगा, और नेहरू नहीं मानेगा तो जो है ना या तो स्वतंत्रता जो है वो डिले हो जाएगी, या जो है ये पार्टी को तोड़ देगा, या कुछ ना कुछ नाटक हो जाएगा। तो गांधी जी की नजरों में नेहरू कितना धूर्त व्यक्ति था जिसके लिए देश की राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती थी। आप ये मुझे बताइए, नेहरू जी ने पूरी आबादी को 4 भागों में बांटा है। एक वो आबादी है जिसको उसने घुट्टी पिलाई कि मैंने आपको आजादी दिलाई, जबकि इतिहास गवाह है कि नेहरू जी की भूमिका जो है ना गांधी आजादी दिलाने में 0 है। लॉर्ड एटली जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जब गवर्नर चक्रवर्ती जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे कोलकाता में, जब 1956 में जब लॉर्ड एटली जो है कोलकाता पहुंचे और जब गवर्नर चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आया है कि आपने भारत को आजादी क्यों दी है, क्या ये नेहरू और गांधी के कारण दी है, तो लॉर्ड एटली जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे 1947 के, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो उनसे पूछा गया कि फिर आपने क्यों आजादी दी, तो उसके लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, INA का नाम लिया, आजाद हिंद फौज का नाम लिया, और जो यूथ में बवाल आया था उसका नाम लिया, जो नेवी में बगावत हो गई थी 24 में से 22 बेस में बगावत हो गई थी, रेलवे में बगावत हो गई थी, चारों तरफ जो है ना बगावत का माहौल था, केवल कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब लोग जो है ना बगावती तेवर में थे। तब जो है नेहरू जी काला कोट पहन के दिखाने के लिए लाल किले पहुंचे वकालत करने के लिए, क्योंकि उनकी वकालत करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने जो है उन फंडामेंटल फ्रीडम फाइटर्स को, फंडामेंटल जो है ना इनको, जिन्होंने अपनी जान को जो है ना उसमें लगा के और 26,000 लोगों ने अपनी जाने भी दी, उन लोगों को ना तो कंपनसेट किया ना उनको जो है कोई लाभ दिया, जबकि वो जावाज थे जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भारत को जो है ना आजाद कराने की कोशिश की। MS जी एक इधर हो, 5 टाइम कैपिटल। सो आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने
जो व्यवस्था आपके ऊपर लादी है वो कहां से आई है। अभी थोड़ी देर अपन संविधान की बात नहीं करते हैं, संविधान में और पार्टी का कहीं नाम नहीं आया है, और संविधान वैसे भी जो है उन गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 80% हिस्सा जो है अपने संविधान का वहां से आया है, राइट। और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना उल्लेख आया, पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई, लेकिन ये एक्ट इतना फॉल्टी बनाया गया कि पॉलिटिकल पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं निर्धारित की, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का कोई प्रावधान नहीं किया, उसमें जो है फॉल्टी होने के कारण पॉलिटिकल पार्टी आज एक प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, फैमिली की कंपनियां बन गई हैं, लोग बाग अपने साथियों पर भरोसा ना करके अपने बीवी को जो है मंत्री बना रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था हो गई है। और हमारी हैसियत इन पॉलिटिकल पार्टी ने एक वोट देने वाले को, आप ये बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं कि आप वोट देने वाले गुलाम? सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों ने नेहरू और सुभाष चंद्र उसे गांधी से लड़के आजाद नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस से किया, मतलब आज के जमाने में भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉर्ड एटली कह रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो मतलब हाँ तो आज भी इन नेताओं को सुधारने के लिए डर का माहौल तो पैदा करना पड़ेगा ना इनके खिलाफ। देखिए उस रणनीति पे आप आइए, धैर्य रखिए, मैं अभी आपको हर बात समझाता हूँ, बहुत आसानी से सरल शब्दों में समझाऊंगा, और तब तक मैं अपना प्रयास जारी रहूंगा जब तक कि आप जो है सही मायने में समझ नहीं जाए। तो मैं अपना प्रयास करता हूं, मैं फिर आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसे कैसा अप्रिशिएट करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है एक वोट देने वाले गुलाम अपने आप को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, और जो वोट देने वाला गुलाम है जिसे चुन रहा है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी से डरा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी भिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है, और ये पार्टी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी जो है वो भी उनका संरक्षण भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, कुंवर शर्मा ने हदीस में लिखी हुई बात को ही केवल दोहराया था, फिर जो है दबाव में आकर अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को निलंबित करना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो हमारी स्थिति, इवन जो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है उसकी भी स्थिति इतनी दयनीय है। तो वो जिसने वोट दिया वो तो वोट देने वाला गुलाम है ही, जिसने वोट लिया है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं। और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने 5 तरीके के लोगों को वोट पर जो है टिकट बांटे हैं। तो पहला टिकट बांटते हैं पैसे लेकर, जो ज्यादा पैसे देगा उसको टिकट। दूसरा टिकट बांटेंगे अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चों। तीसरा टिकट जो बांट रहे हैं जाति और धर्म के आधार पर योग्य व्यक्तियों को नहीं, अयोग्य व्यक्तियों। चौथा टिकट जो बांट रहे हैं वो जो दूसरी पार्टी से लोग अपने लाभ के लिए जो जुड़ रहे हैं और उनको फूलमालाएं भी पहना रहे हैं, उनको जो है पार्टी का टिकट भी दे रहे हैं और उनको जो है उनका मेहमान मंडन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से चौथा टिकट दिया, चौथे नंबर का टिकट। और पांचवा जो है, जब नेहरू जी का समय था तो हम वो बात बीच में रह गई थी क्योंकि आपने पूछ लिया था, हमने कहा था कि नेहरू जी ने पूरी आबादी को 4 भागों में बांटा। पहली आबादी वो है जिसे घुट्टी पिलाई गई कि आपको हमने आजादी दिलाई, राइट। दूसरे लोग वो हैं जिनको तुष्टिकरण के आधार पर वोट बैंक के रूप में जो है विकसित किया गया और उनके ब्लॉक वाइज वोट जो है ना इनको मिल गए।
तीसरे लोग होते हैं कि जिनसे लाभ बांटा गया है, क्योंकि उन्हें लाभ मिल रहा था इसलिए वो जो है ना नेहरू जी के और कांग्रेस के साथ खड़े हुए। अब चौथे तरीके के लोग थे जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते थे और वो कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं थे और इस बात का पूरा एहसास कांग्रेस को था। इन चौथी तरीके के लोगों को डील करने के लिए कांग्रेस ने, माननीय नेहरू जी ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने गुंडों की दो फौजें तैयार की। एक फौज का काम होता था, गुंडों की फौज का, कि वो ऐसे लोगों को अपने घर से निकलकर बूथ तक, राइट, और दूसरी फौज का काम होता था कि बूथ पे जाके बूथ कैप्चरिंग करके उनके फर्जी वोट छोड़ कर दिए जाते। अब मुझे नहीं मालूम है कि दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, हमारे सांसद जी आ गए, उन्होंने गुंडों की भूमिका जो है ना केवल सीमित कर दी लेकिन लगभग खत्म सी कर दी। लेकिन हमारे ये पूजनीय राजनेताओं ने कहा कि तू डाल डाल में पात, तू डाल तो कम होती है, पाते तो बहुत होते, मैं तो हर पत्ते पर हूं। तो उन्होंने जो है जिन गुंडों को भेज के वो आपको वोट डालने नहीं जाते थे, जिन गुंडों के माध्यम से वो फर्जी वोटिंग कराते थे, उन्होंने उन गुंडों को ही टिकट दे दिया और उनका भय आपके दिमाग में घुस गया। यही कारण है वो गुंडे जेल से भी जीत रहे। जीत रहे कि नहीं जीत रहे? आप इस व्याख्या से किस हद तक सहमत हैं? मैं सहमत हूं, लेकिन हम डरने वालों में नहीं, हमको कोई डरा नहीं सकता, हम डर के मारे वोट नहीं देते। अपन तो स्थिति को व्याख्या कर रहे हैं, आप अपने रिस्पॉन्स को अभी इसमें मत जोड़िए। स्थिति जो है वो तो ग्राउंड पर है, आप क्या करोगे, आप डरोगे कि नहीं डरोगे, क्योंकि अंग्रेजों के समय में भी बहुत सारे जो ना फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इनकी गुलामी वो नहीं की, उन्हें चैलेंज दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इससे बड़ी बड़ी जो ना कुर्बानी तो नहीं हो सकती। तो आप जैसे 2500 लोग होंगे जो कि ये भावना रख रहे हैं, राइट, तो अभी आप अपनी बात मत करिए। क्या आप इस व्याख्या से सहमत हैं? मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे साथ जो साथी है वो भी निडर हो गए हैं। सादा जी, आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो है ऐसा, ये पक्की बात है कि लोग जो हैं, मतलब व्याख्या ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इससे सहमत है। तो क्या हम ये माने कि नियम कानून गुलामों वाले हैं, जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जो जुडिशरी है वो लॉर्डशिप वाली है, जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए कंसीव की गई वो आपके ऊपर एजेंडिस थोप दी, और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल जो है बॉस आपके ऊपर आए वो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत आए, जिन्होंने आपकी हैसियत वोट देने वाले गुलामों की कर दी है, और जिनको आप चुन रहे हो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे डरे हुए हैं, और जिन लोगों को ये खड़ा कर रहे हैं वो 5 किस्म के अत्यंत ही गंदे लोग हैं। यदि आप जो है आज सूची निकाल लीजिए अपने चुने हुए नेताओं की, तो आपको अपने आप पर कोप्त होगा कि ज्यादा से ज्यादा 10% लोग होंगे जिनके चेहरे को आप जो है कह सकेंगे कि ये हमारे प्रतिनिधि बनने लायक हैं। 90% लोग ना उनकी शिक्षा, ना उनकी सोच, ना उनकी काबिलियत, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्हें हमारे प्रतिनिधि बनने लायक बना। इस बात से सहमत हैं आप? हाँ या नहीं? सहमत है। आप बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आएंगे उसी पे आएंगे। सादर जी, आप सहमत हैं? यस यस। ओके, राकेश जी, आप सहमत हैं? बिल्कुल सत्य बात है सर, बिल्कुल सत्य बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। अच्छा, ठीक बात है। तो अब एक चीज क्लियर हो गई है कि आज ही हम पूरी तरह से आजाद नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था भी डेमोक्रेटिक नहीं है, उसके बीच में जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है वो लॉर्डशिप वाली है, और जो नियम कानून है वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए थोपे गए थे, जो कि
बेहद ही घटिया है, जिनको आर्टिफिशियल चीजों में जो ना बांटा गया है संगे या संगे, जहां आप यदि गलत रिपोर्ट करेंगे तो आपको बंद होने का तो प्रावधान है, लेकिन आपकी सही बात फिर भी नहीं लिखी जा रही है, जहां आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, आपको हथियार जो है कलेक्टर की मेहरबानी से मिलेगा, और यदि आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस कलेक्टर को हथियार ना देने के लिए जिम्मेवार भी नहीं ठहराया जाएगा। आप ऐसी जो है ना गुलामों वाली व्यवस्था से ग्रसित हैं, ये बात आप मानने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ तैयार है, तैयार है। चलिए तो अब जो है हम अगले सेशन में ये चर्चा करेंगे कि इस गुलामी वाली व्यवस्था में हम कैसे परिवर्तन लाएंगे। ये बहुत ही सरल और साधारण परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के लिए ना आपको कोई चक्का जाम करना होगा, ना कोई धरना करना होगा, ना रेल रोको करना होगा, ना आपको जंतर मंतर जाना होगा, ना आपको दिल्ली जाना होगा, ना भूख हड़ताल करना होगी, ना कोई प्रदर्शन करना होगा। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कहीं किसी नियम के विरुद्ध होगा, किसी कंडक्ट रूल के विरुद्ध होगा। लिहाजा आपकी इस मुहिम में भारत का हर नागरिक विशुद्ध रूप से जुड़ सकता है, ऐसा जो है ना उपाय, उस उपाय को आज हम व्याख्या नहीं करेंगे, वो कल के सेशन में हम व्याख्या करेंगे। एक एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहूँ जी, जरूर। जैसे बिजली का बिल हमेशा लोग लास्ट डेट में जमा करते हैं, 10 दिन 15 दिन पहले बिल आ जाता है, लास्ट में जमा करते हैं कहीं बिजली कट ना जाए, तो डर बिन प्रीत न, मतलब क्या कहते हैं उसको, भय बिन प्रीत ना होए। देखिए आपने बहुत उचित बात कही है, और ये बात तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कही है, जब वो श्रीलंका जाना चाहते थे और 3 दिन तक जो है समुद्र के किनारे बैठकर उन्होंने समुद्र से स्तुति की, प्रार्थना की कि हे समुद्र, मुझे जो है अपनी पत्नी को खोजने जाना है, मुझे श्रीलंका जाने का मार्ग दे दो। तो जब ऐसा नहीं हुआ है तब जो है राम ने क्या कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस है विन होए ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये तो आप क्या, भगवान राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये बात वो अपने मुंह से कहने के लिए विवश हुए, ये उनका आकलन है। और मुझे रास्ते दीजिए कि भारत में पैगंबर नहीं चलते, भारत में भगवान कृष्ण को ये सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान हूं, मैं अपना विराट स्वरूप दिखाना होता। आप हमारे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें विराट स्वरूप वर्ड का हमने यूज किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको उस शक्ति का वो महसूस कराना। तो विजय जी आप बताइए, आपको आपकी बात का जवाब मिला क्या? मिला, लेकिन हम भय भीन प्रीत न हुई इस रास्ते में चलेंगे, हम डराने की कोशिश करेंगे तब जमाना सीधा होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पर विजय जी आपको हर तरह का त्यागना, मैं आपका इस समय पथ प्रदर्शक का जो है रोल निभा रहा हूँ, तो आपको अपने पथ प्रदर्शक के प्रति श्रद्धा रखना पड़ेगी, और हम सबसे बाहर निकल के जो रास्ता आपको दिखाया जाएगा, और आपका पथ प्रदर्शक आपको भरोसा दिला रहा है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि आपको कोई नुकसान हो, आपके ऊपर कोई डंडे चलाए, आपके विरुद्ध मुकदमा करे, आपको जेल ढोके, ऐसा कोई भी कृत्य जो है आपका पथ प्रदर्शक आपको करने के लिए नहीं कहेगा। हम उनसे डरते भी नहीं, फिर आपको हम सत्य से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे बाहर निकलना है, हम एनर्जी मॉडल के तहत काम करेंगे, तो जो लोग जो हैं उनको हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हम उन्हें जिस रूप में भी हैं उन्हीं उसी रूप में हम उन्हें स्वीकार करेंगे। हम केवल ये बात कहेंगे कि आप अपने अंदर की
नेगेटिविटी को त्याग कर दीजिए, आपके अंदर आत्मा विराजित है, आपके अंदर एनर्जी विराजित है, उसे पहचानिए। और आप जो है जब अपनी सकारात्मक ऊर्जा को पहचानेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें संभवतः आप ज्यादा सम्मान और ज्यादा धन लाभ भी कमा पाएंगे। तो चाहे आप परचुनिया की दुकान रख रहे हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हो, चाहे आप जो है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, वट एवर यू माइट बी, चाहे आप नेता ही क्यों ना, आप उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और आज जो अपना सम्मान आप खो चुके हैं वो सम्मान भी आप हासिल कर पाएंगे। अच्छा आखिरी में थोड़ा मैं एक बट कहूं, जो जिज्ञासु विद्यार्थी होता है ना वो सवाल ज्यादा करता है। मैं आपकी हर जिज्ञासा का को शांत करने की कोशिश करूंगा, और यदि इस सेशन में मैं शांत नहीं कर पाया तो मैं जो है कॉस्मोस से डाउनलोड लेके फिर आऊंगा आपके पास। अब ये बताइए कहीं समुद्र जिज्ञासा को हम जिज्ञासा से शांत नहीं बने रहने देंगे, हम उसे शांत करेंगे। नहीं, अगर समुद्र आपको रास्ता नहीं देता तो आप गुस्सा ना करोगे? यदि भय दिखाने मात्र से काम चल जाता है तो हम समुद्र को नहीं सुखाएंगे। ये मेरी सीख नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीख है। जब उन्होंने सुखाने के लिए अपने वाण का संधारण किया तो जो हाथ जोड़ते हुए समुद्र पैदा हुआ, उसने कहा कि उस्ताकी माफ हो, मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी तो प्रभु आपकी भी तो मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि हमारी मर्यादा आपकी मर्यादा भी है, राइट? तो आपकी सेना में नल नील नाम के दो बंदर हैं, उन्होंने बचपन में संतों की बहुत जो है ना देव देवताओं की जो है मूर्तियों को पानी में बहा देते थे, तो ऋषियों ने कुपित होके उन्हें श्राप दिया है कि तुम्हारे हाथ से छोड़े गए पत्थर जो है वो डूबेंगे नहीं, वो तैरेंगे। इस वरदान से जो नल नील जो है थे सुशोभित थे, या इस श्राप से जो नंदील थे, उस श्राप का जो है भगवान राम को उपयोग करने के लिए सलाह जो है समुद्र ने दिया। और हम और आप इस बात के साक्षी हैं कि जो राम सेतु बना है वो नल नील के प्रयासों से बना है। बाकी लोगों ने बड़े बड़े पत्थर दिए, लेकिन उन्होंने राम का नाम लिखते हुए उसका स्पर्श करके सिर्फ अपनी जगह पर रख दिया और वो पत्थर जो है तैरने लगे और एक राम सेतु बन गया। और राम जी जो है अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंचे, और बात की बात आपको मालूम है कि रावण का संहार किया। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे श्री राम के साथ स्थिति आ गई, अभी आपके साथ आ जाए, कोई नहीं मान रहा है बिना डर के, तो आप क्या करेंगे? देखिए, नंबर वन, कोई जो है व्यक्ति है जो मेरे प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि सभी लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करें, अजनबियों से बात करें, तो चूंकि वो हमारे प्रभाव क्षेत्र के होंगे लिहाजा उन्हें हम में विश्वास होगा, एक इतने वर्षों की एक श्रद्धा होगी, एक लगाव होगा, एक भरोसा होगा, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे प्रति जो है या आपके प्रति, क्योंकि आप भी अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो उन्हें आपके प्रति श्रद्धा होगी। फिर हमने आपको ये बात भी समझाई कि जो लोहा है वो तो आपके पास पहुंचने मात्र से आपकी चुंबकीय सर्किट से उसका हर पार्टिकल अलाइन होके वो लोहे चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा और वो भी दूसरे लोगों को चुंबकीकृत करने के काम में लग जाएगा। लेकिन जो पत्थर वाली बात हमने समझाई है तो हम और आपके प्रभाव क्षेत्र में भी पत्थर होंगे, और जैसा कि मैंने बताया है कि पत्थर भी दो तरीके के, एक पत्थर वो होंगे जो कि वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, और वो जो है चूंकि लाभ ले रहे हैं लिहाजा वर्तमान व्यवस्था को वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगे, लिहाजा वो बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी, बहुत भले व्यक्ति होंगे, लेकिन वो हमारे लिए पत्थर तोड़ रहे हैं। और दूसरे पत्थर वो हैं जिनके अनुभव इतने खराब हैं कि उनके अंदर की इच्छा और एनर्जी उस समय के लिए पत्थर बन चुकी है। ऐसे पत्थरों को
आपकी ऊर्जा जो है चुंबकीकृत नहीं कर पाएगी, तो आप उनको उनके भरोसे पर छोड़ दीजिए। आने वाले समय में जब पर्याप्त एनर्जी उनके ऊपर पड़ेगी, तो जैसा कबीरदास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ से एनर्जी पड़ेगी, तो जैसे डकैत वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि बने, ऐसे ही ये दोनों कैटेगरी के पत्थर जो है ऊर्जा केंद्र नाम की महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, और वो क्राइम फ्री भारत और इस देश के निर्माण में हम और आपसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपकी आपको अपनी बात का जवाब मिला क्या? मिल गया, बल कुछ लोग दुर्योधन टाइप के हैं, उनको सीधा तो करना पड़ेगा ना। आप क्यों एनर्जी दुर्योधन पे खर्च कर रहे हैं? आप एनर्जी उल्टू पे खर्च करिए, जो चुंबकीकृत होकर आपका रास्ता आसान कर रहे हैं। दुर्योधन को ठीक करने के लिए ऊर्जा केंद्र बन रहे हैं, उनकी संयुक्त ऊर्जा के सामने ये दुर्योधन स्वयं निर्गत हो जाए। तो आप उन दुर्योधनों से निपटने की कृपया जो है प्रयास ना करें, अपनी एनर्जी को अपने लोहे को जो है ऊर्जा खत्म करने में क्या शक्ति से लगाएंगे, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना। तो क्या मैं आपको समझा पाया? ठीक है, नहीं लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। नहीं नहीं, आपकी जिज्ञासा दुर्योधन के वाली साथ हो गई कि नहीं हुई? नहीं, जब ऐसा मौका आएगा, दुर्योधन सामने आएगा, तब हमको आगे कर दीजिएगा आप। मेरा ये कहना है कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं है, राइट? और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि चूंकि मैं आपका पथ प्रदर्शक बन गया हूँ और आपने मुझे आपका पथ प्रदर्शक मान लिया है, तो जो कॉस्मिक डाउनलोड मुझे मिल रहा है उसका लाभ लीजिए। आप अपने अहम को, अपने सोच को कुछ देर के लिए विराम कर दीजिए और फिर जो है आप उसका उपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो शक्ति का आपका इसमें ह्रास होगा, उस शक्ति को हम इस जन आंदोलन में कन्वर्ट करने के लिए 100 करोड़ 137 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए यूज करना चाहते हैं। हम आपकी एनर्जी को बचाना चाहते हैं। प्लीज डोंट यूज योर एनर्जी ऑन एनी दुर्योधन। कुछ कुछ बात समझ में आई क्या? आ गई क्या? कुछ कन्विंसिंग भी लग रही है? नहीं लग रही है, पर आखिरी रास्ता तो वही है। आप जब बोलेंगे तब वो एक बार त्यागना पड़ेगा। भगवान ने भी ये कहा है कि यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो आप मेरे प्रति समर्पित हो जाइए। सरेंडर टू मी, आई विल टेक यू टू द मोक्ष, आई विल फुलफिल ऑल योर विलिंगनेस। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बिना नुकसान पहुंचाए, बिना आपको किसी कठिनाई में डाले, बिना आपके धन का अपव्यय किए हुए, बिना कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, बिना कोई आप पे डंडे चलाए, बिना कोई आपको जेल में ठूसे, इन सब चीजों से आपको बचाते हुए आपको आपका रास्ता भी प्रशस्त करेंगे और मकसद भी हासिल करेंगे। हम जो है प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी को हम पहले कोशिश करेंगे कि वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, देश हित में जो बात हम कह रहे हैं वो करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम अपने महा ऊर्जा केंद्रों को उतारेंगे और ऊर्जा केंद्र जिनकी संख्या 137 करोड़ होगी, वो जो है थाली बजाकर शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, संकल्प के साथ अपने महा ऊर्जा केंद्रों को जिताएंगे। तो ये लोग जो अभी ढकोसला कर रहे हैं, जो 500 रुपए देके और सरकारी गाड़ी और उसको भेज के और लंच डिनर देके लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, जो वहां के वोटर भी नहीं होते हैं और एक ढकोसला पैदा करते हैं कि वो लोकप्रिय है, क्या इन लोगों की जमानतें जब नहीं होगा? तो अब आप बताइए कि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर बीच में आप मैं क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? कुछ देर के लिए मैं और हम को त्याग दीजिए विजय देव सेना जी, यही प्रार्थना है। ठीक है, आपको
आपको मेरी बात का लॉजिक यदि पसंद नहीं आए हैं तो मैंने आपसे संकल्पित किया है कि मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं इस सेशन में आपको संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं जो है 2 दिन बाद तैयारी के साथ आपको संतुष्ट करूंगा, लेकिन मैं जो है आपको भरोसा दिलाता कि आपको संतुष्ट है। तो आप संतुष्ट हो गए हैं क्या? अभी अगली बार मैं अपनी जीवन गाथा आपको बताऊंगा। नहीं, देखिए अपनी जीवन गाथा एक हम एक टॉपिक ही रख लेंगे कि मिस्टर विजय देव सेना की जीवन गाथा, और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वो क्राइम फ्री भारत का जो मिशन स्टेटमेंट है, क्राइम फ्री भारत का जो सोच है कि हमें जो है राजनीतिक पार्टी जिन्होंने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है तो हमें पार्टी है, अपराधियों ने जो राजनीति पे हावी हो गए हमें अपराधी दीन राजनीति लाना है, जो आज जो है पॉलिटिक्स में खर्चा इतना बड़ा दिया गया है कि अच्छा इंसान आने की औकात नहीं रखता है, लिहाजा हमें एक्सपेंडिचर फ्री एफ-बेस व्यवस्था के आधार पर हम ऐसी चुनाव व्यवस्था लाएंगे जिसमें खर्च करना एक अपराध होगा, 1-to-1 कैनवासिंग करना अपराध होगा, कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा, कोई पार्टी किसी का जो है ना प्रचार नहीं कर पाएगी, और ई एप के माध्यम से हम 2 तरीके के लोगों को चुनेंगे, पहले लेजिस्लेचर को चुनेंगे और सेकंड राउंड में उन लेजिस्लेचर को भी उन्हीं मापदंडों के तहत पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे, तो चुने हुए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पूरे अपने टेन्योर के दौरान अपना जो है ना जो उनका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करेंगे, सरकार गिराया नहीं जा सकेगा, उन्हें उन्हें पार्लियामेंट में जवाब देना हो, पार्लियामेंट में वो बैठेंगे नियम कानून का ड्राफ्ट लेके आएंगे, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं, तो लेजिस्लेचर के जवाब देने के लिए वहां होंगे, और ये जवाब जो है इनको संग्रहित किया जाएगा, जब आप दोबारा खड़े होंगे तो आपको उन जवाबों से ग्रिल किया जाएगा, तो ये आपके लिए वो जो है ना ये याददाश्त में नहीं चला जाएगा, वो सब जो है इलेक्शन कमीशन की मेमोरी में होगा, और इलेक्शन कमीशन को वो ग्रिलिंग सेशन बनाना होगा, और यदि इलेक्शन कमीशन ग्रिलिंग सेशन को ठीक से नहीं बनाता है तो यह एक डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और उसे जो है अपना काम ठीक ढंग से ना करने के लिए जिम्मेवार बनाया जाए। तो हमारी व्यवस्था में चाहे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, सभी फंक्शनली अकाउंटेबल हैं। Nobody will be God. और यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो मैं कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाए, ऐसी व्यवस्था हम पैदा करेंगे, और जिसमें जो है साइबर क्राइम फ्री भारत होगा, क्राइम फ्री भारत होगा, और फिर हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे, जिससे हवाला से लेके भ्रष्टाचार से लेके आज की जितनी भी समस्याएं हैं वो स्वतः विलुप्त हो जाएंगी, और फिर जो है इस पे 2% जो है ट्रांजेक्शन चार्ज रखा जाएगा, और हम भारत को टैक्स फ्री भारत कर देंगे, और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो आज की तुलना में 10-20 गुना ज्यादा होगा, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, और हम जो है इस महंगाई की मार से, टैक्स की मार से, टैक्स की चोरी से सबसे बच जाएंगे, और इसके बाद में जो है हम और ढेर सारे मॉडल हैं जिस मॉडल के माध्यम से इस देश को समृद्ध बनाएंगे, तो आपका जो पथ प्रदर्शक है वो होलिस्टिक सॉल्यूशन लेके आ रहा, वो ना केवल आपकी समस्याओं को दूर करेगा, ना केवल आपको आजादी दिलाएगा, बल्कि आपकी आज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए उसे जो है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का भी के लिए भी वो कृत संकल्पित है। तो विजय जी आपको अपने पथ प्रदर्शक पे कुछ भरोसा बना है? बना है, पर अगली बार कुछ बातें और होंगी। हाँ, हम जो है रेगुलर सेशन आपसे करेंगे, क्योंकि आप जैसे जिज्ञासु ब्रेन को यदि हम सेटिस्फाई कर देंगे तो ये वीडियो क्लिप जो है
बाकी लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो हम अगली बार आपको ये समझाएंगे कि कैसे जो है क्राइम फ्री भारत बनेगा, कैसे हम जो इतने सारे मकसद बता रहे हैं उसे हम ग्राउंड पर उतारेंगे और वो आपको बिना किसी नुकसान के, ना ही आप किसी नियम को तोड़ेंगे, ना ही आप किसी कंडक्ट रूल को तोड़ेंगे, पूरे 137 करोड़ लोग ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और हमारे आज के जो प्रतिनिधि हैं, यदि वो हमारी भावनाओं को समझ के वो नियम कानून और व्यवस्था परिवर्तित कर देते हैं तो हम उन्हें ही जो है ना चुनेंगे, लेकिन यदि वो अपने अहम में ऐसा नहीं करते हैं तो 2024 में हम उन्हें निश्चित रूप से हराएंगे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। ठीक, एक सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको संतुष्ट करूंगा। मैं अगली बार मेरे को बताइएगा, मेरा नाम जैसे विजय है, बिना लड़ाई की मेरी विजय कैसे हो जाए? यदि आप जो है विजय की जगह अजय हो जाए तो आप जय जय तो आपकी हमेशा ही बनी रहेगी, आपका जय की तो ह्रास ही नहीं। आप बात समझ रहे ना? तो आप किसी को हराने के चक्कर में मत रहिए, आप तो जीते जिताए हैं, तो आप बिना धर्म युद्ध किए हुए ही, बिना जो है अर्जुन की तरह जो है धनुष का संधारण किए आप विजयी होंगे। और आप अपनी एनर्जी को लोगों को ऊर्जा करने में लगाइए, लोगों को हराने में मत लगे। हमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी की पॉजिटिव डायरेक्शन में जरूरत है, आप उसे नेगेटिव डायरेक्शन में मत ले जाइए, उसे लड़ने लड़ाने में और विजय प्राप्त करने में उसको हरास मत करिए। कुछ कुछ संतुष्ट हुए आप या नहीं? कुछ कुछ हुए, बाकी और भी अगले सेशन में करेंगे, थोड़ा टाइम हो रहा ज्यादा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है अगले सेशन में विस्तार से बात करेंगे, और मैं कृत संकल्पित हूँ कि आपकी हर जिज्ञासा को मैं साथ करूँ। ठीक है, ये मेरा कृत संकल्प है। यदि मैं आपकी जिज्ञासा साथ नहीं कर पाया तो कॉस्मिक डाउनलोड के सहारे हम 2 या 3 दिन में फिर आपसे प्रार्थना करेंगे कि हम 3 दिन बाद जो जो हमने एक साधु की किस्सा सुनाया था, हम 3 दिन बाद 7 दिन बाद पुनः हाजिर होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको संतुष्ट करूँ, और आपको जो है ना मैं अहम त्यागना होगा, क्योंकि मैं और अहम से हम लोगों को बांट सकते हैं, लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनका दिल नहीं जीत सकते। हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना है। क्राइम फ्री भारत जो है शिव की सेना बनना है, जिसमें भूत प्रेत कीड़े मकोड़े लंगूर सभी साथ में चलेंगे और संयुक्त ऊर्जा से हम विजय हासिल। ठीक है, आपकी इस अहम की लड़ाई में हम अपने योद्धाओं को खो गए, हमें अपने योद्धाओं को नहीं खोना है, हमें अपनी एनर्जी नेगेटिव दिशा में नहीं जाने देना है। इस बात का ध्यान हमारे सभी लोगों को रखना होगा, और हम 9 दिन में ही जो है ना वो चमत्कार कर सकते हैं, यदि हम सच में ईमानदार हैं, सच में संकल्पित हैं, और अपनी ऊर्जा को हम लोहे पर यूज कर रहे हैं, पत्थरों को कुछ देर के लिए राहत लेने के लिए सोने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये पत्थर जो है इस देश के सबसे बड़े रिसोर्स बनेंगे आगे चल के, वो महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, वो महर्षि बनेंगे, और संभवतः उनका कंट्रीब्यूशन हम और आपसे ज्यादा हो। ठीक है, वीएम मिश्रा जी को जोड़ दीजिएगा, वीएम मिश्रा जी को जोड़ दीजिएगा पत्थर को। आप फिर से आपने किसी को पत्थर कहा है, प्लीज डोंट डू दैट। आप किसी को ऊपर जजमेंट मत हासिल करिए, यदि आप जजमेंट देंगे तो लड़ाई। हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको देश हित का बड़ा काम करना है, और वो भी बिना किसी का तकलीफ। हम आपको एक पत्थर नहीं खाने देंगे, आपको एक डंडा नहीं खाने देंगे, आपके विरुद्ध एक अपराध पंजीयन नहीं होगा, और हम तो आपको आपके रोड के बाहर भी नहीं उतरने देंगे। आपको अपने घर के छत से, तरबूजे से, चबूतरे से,
दरवाजे से ये लड़ाई लड़ना है बिना रोड पर उतरे, ऐसा पथ प्रदर्शन मैं आपका करूंगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने पथ प्रदर्शन पर भरोसा रखिए, वह अनुभवी है और उसे कॉस्मिक एनर्जी का लाभ प्राप्त है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी आपके संशय और प्रश्न होंगे वो जरूर जो है सुलझे। आपकी आपको कुछ कुछ मेरी बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? आपने एक अभी सुबह किस्सा सुनाया था कि किसी ने कहा कि अन्न मत गिराओ, तो उसको 2-3-4 हफ्ते आना पड़ा था। मेरे को भी अगले सेशन में चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ। हाँ नहीं, ये कह रहा हूँ कि आप उसको उसमें बात करेंगे नहीं, और नहीं, उसको जो है जरूर एक आध बार आप सुनाएंगे उसको कि वो क्यों ऐसा नहीं। उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ, मेरे को भी टाइम लगेगा सुधार लाने में। चलिए, आपने जो है सुधार लाने की इच्छा बना ली है, इसके लिए आप साधु हद के पात्र हैं। और अगली बार हम आपको बताएंगे कि एनर्जी मॉडल के माध्यम से बिना नुकसान के हम इस देश में बहुत ही अच्छा परिवर्तन लाएंगे, आजादी लाएंगे और अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।